अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिल्ली स्टाइल रेसिपी। आज दिल्ली स्टाइल रेसिपी में मैं आपके लिए लाई हूँ नहारी बनाने का मसाला, जिसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले ये मैंने ज़ीरा लिया है 1 चम्मच। ये बड़ी इलायची के बीज हैं, ये 1/2 चम्मच लिए हैं। इसके अलावा ये 1 चम्मच लौंग है, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 बे लीव्स यानी तेज़पत्ता, 1 हमने फूल जो है ये जावित्री का लिया है, और ये हमने जायफल लिया है। 1 जायफल को तोड़ के हमने ये 2/3 ले लिया है। ये 1 पीपली ली है। इसके अलावा ये 2 बादियान के फूल कहलाते हैं, ये भी लिए हैं हमने। ये तकरीबन 2 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है और 2 चम्मच सौंफ। सौंफ से जो नहारी का मज़ा है वो बहुत अच्छा आता है, सौंफ नहारी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच पिसी हुई सौंठ, 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी। ये जो साबुत मसाले मैंने लिए हैं इनको मैं पहले मिक्सी में डाल के पीसूँगी, और ये इसके साथ में ये साबुत धनिया और ये सौंफ भी पीस लूँगी। इसके बाद मैं इसमें पिसे हुए मसाले मिलाऊँगी। ये सारे मसाले मैंने एक जार में पीस लिए हैं। ये छोटी सी मिक्सी है मेरे पास वंडर शेफ की, मैं इसमें डाल के इसको पीस रही हूँ। ये हमने मसाला पीस लिया है, ये आपने बहुत बारीक पीसना है। अगर थोड़ा सा भी मोटा रह गया तो ये आपको आपका बहुत जो नहारी का मज़ा है वो ख़राब कर देगा। और अब मैं इसमें जो ये जो मैंने बताया था आपको, ये नमक, सौंठ, मिर्च और हल्दी, मैं ये भी इसमें मिला रही हूँ। ये जो नहारी मसाला है ये हमारा तैयार है। इसमें आप तकरीबन 2 किलो गोश्त की नहारी बना सकते हैं, चाहे वो आप मटन हो, चाहे चिकन हो, चाहे बड़े की नहारी बनाएं। इसमें तकरीबन 2 किलो गोश्त, ये 1.5 से 2 किलो गोश्त के बीच में इसमें नहारी बन सकती है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।